हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू जेड प्लस अकेडमी चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स क्वेश्चन, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम क्वेश्चन। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज नंबर 3.6, क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स फर्स्ट पार्ट। इसमें क्वेश्चन ने दिया है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मीन्स स्ट्रीम के ही डायरेक्शन में वह 20 किलोमीटर रो कर सकती है दो घंटे में, और अप स्ट्रीम जब वो धारा के विपरीत आती है तो वो 4 किलोमीटर रो कर सकती है इन 2 आवर्स। तो पूछ रहा है कि फाइंड हर स्पीड इन रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट। ठीक है, कम ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा हूँ कि प्लीज़, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर लगता है दम है इसके एक्सप्लेनेशन में, स्टेपिंग में, सॉल्यूशन में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो प्लीज़, दिस माय कार्डियल रिक्वेस्ट दैट यू विजिट दिस वीडियो अप टू द लास्ट। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फ्रेम बोर्ड्स एंड स्ट्रीम क्वेश्चन, कैसे उनको स्ट्रीम किया जाता है। देखिए, कम ऑन, सपोज दैट यह आपका स्ट्रीम है। ठीक है, यह स्ट्रीम का डायरेक्शन है, स्ट्रीम का डायरेक्शन मान लीजिए इस तरफ जा रहा है, और ये आपका बोट हो गई। ठीक है, यह फ्रेम कर रहे हैं आपको। ठीक, यह फ्रेम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए स्ट्रीम, यह स्ट्रीम है आपका, धारा है, और ये बोट है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि अगर लेट बोट की स्पीड स्टिल वाटर में यहाँ फ्रेम करते हैं, लेट इट इज एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा, स्ट्रीम की जो स्पीड है यह इसको करते हैं वाई किलोमीटर पर आवर। अब पहला पॉइंट होता है कि अगर वह डाउन स्ट्रीम अगर जाती है, ध्यान रखिएगा, डाउन स्ट्रीम का मतलब यह है कि जिधर धारा बह रही है, जिस डायरेक्शन में धारा बह रही है, उसी डायरेक्शन में बोट भी चल रही है, यह होता है डाउन स्ट्रीम। इसको समझने से पहले मान लीजिए एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि सपोज दैट आप एक दीवार है, दीवार पर आप 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। ठीक, और आपके बैक साइड आप पर भी जो है एक और व्यक्ति है जो 5 न्यूटन का बल लगा, आप ही के डायरेक्शन में आप 10 न्यूटन का बल इस वाल पर लगा रहे हैं, और 5 न्यूटन के बल से एक पर्सन और है जो आपको बैक से आप ही के डायरेक्शन में कर रहा है, तो रिजल्टेंट जो इस दीवार पर आपका जो फोर्स जाएगा वह 10 + 5 = 15 न्यूटन जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर जस्ट अपोजिट अगर हम ये कुछ करते हैं, सपोज दैट यू आर एक्सर्टिंग फोर्स, आप इस वाल पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, और कोई पर्सन है वह आपको अपोजिट डायरेक्शन की तरफ 5 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है, ड्रैग कर रहा है, तो रिजल्टेंट इस दीवार पर जो फोर्स जाएगा उसे 5 न्यूटन जाएगा, क्योंकि 10 न्यूटन आप जितना लगा रहे हैं वो 5 न्यूटन उसका घट जा रहा है। बिल्कुल सेम चीज आप यहाँ पर, सेम थिंग, द सेम विजन आल्सो यू हैव टू अप्लाई इन बोर्ड स्ट्रीम क्वेश्चन, कि यहाँ पर अगर डाउन स्ट्रीम दे दिया जाता है तो बोर्ड की स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक, और y किलोमीटर पर आर से स्ट्रीम चल रही है, तो रिजल्टेंट यहाँ पर ये रिजल्टेंट होता है, यानी परिणामी जो रिजल्टेंट स्पीड बोर्ड की होगी, x तो उसका ऑलरेडी है, दैट्स नेचुरल इन स्टिल वाटर, और वाई किलोमीटर उसी डायरेक्शन में, जैसे मैं कहा कि 10 न्यूटन के फोर्स लगा रहा है, फिर 5 न्यूटन और लगाया जाए, तो रिजल्टेंट इसका जो स्पीड हो जाएगी बोर्ड की, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आर हो जाएगी। अब यहीं पर इन सेकेंड केस, इफ इट इज अप स्ट्रीम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ इट इज अप स्ट्रीम मीन्स अगर ये धारा की डायरेक्शन ए है, ठीक है, धारा वाई किलोमीटर पर आर से या इस डायरेक्शन पर है, जबकि बोर्ड जो है बोर्ड का डायरेक्शन ए है, ध्यान रखिएगा, यह स्ट्रीम का डायरेक्शन है, ये वाला स्ट्रीम का डायरेक्शन है, और ये आपका बोर्ड का डायरेक्शन है,
तो जाहिर सी बात है इतनी जो स्पीड होगी ये घट जाएगी। जैसे मैं कहा कि 10 न्यूटन की फोर्स उधर कोई कर रहा है, 5 न्यूटन अपोजिट उसे ड्रेक्स में खींच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यह इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। द सेम इन बोट स्ट्रीम क्वेश्चन, जैसे बोट का डायरेक्शन अगर आपका इधर का है और स्ट्रीम उसके जस्ट अपोजिट हो कर रही है, तो रिजल्टेंट जो स्पीड होगी बोट की वह होगी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर। दिस विल बी रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम। नाउ अब हमको कंक्लूजन में एक चीज ये मिला, ध्यान रखिए कंक्लूजन में हमको ये चीज मिल गया कि अगर डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो रिजल्टेंट स्पीड, ध्यान रखिए डाउन स्ट्रीम में रिजल्टेंट स्पीड, बोट की रिजल्टेंट स्पीड होगी आपकी एक्स प्लस वाई किलोमीटर किलोमीटर पर आर, ठीक डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में यह इसकी स्पीड रिजल्टेंट स्पीड एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर है, जैसा कि हमने फ्रेम करते हुए निकाला है इसको विजन, ठीक कमाल। अब देखिए अब इसको मैं ऑलरेडी जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि व्हेन एवर यू आर फ्रेमिंग मेनी वर्ड प्रॉब्लम जस्ट बी कूल, बी कंसंट्रेटेड विद योर सेल्फ एंड ट्राई टू हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द क्वेश्चन टेलिंग यू, ठीक है क्या बोल रहा था, उसको सुनने की कोशिश करिए, उसको फ्रेम करने की कोशिश करिए। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, अब डाउन स्ट्रीम का मतलब है जो बोट का रिजल्टेंट स्पीड एक्स प्लस वाई किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यानी आपका डिस्टेंस जो आएगा, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर ये डिस्टेंस आ गई, ठीक है। और उसमें एक्स प्लस वाई अगर अपान स्पीड कर देंगे, यानी डिस्टेंस अपान स्पीड कर देंगे इज इक्वल टू टाइम आ जाएगा। द सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई फर्स्ट कि डिस्टेंस 20 किलोमीटर को स्पीड किससे, एक्स प्लस वाई से, इफ सी कवर्स तो सी टेक्स इतना 2 आवर्स, उसको 2 घंटे टाइम लगता है। अब यहीं से फ्रेम कर दीजिए, यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रेम कर दीजिए, इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रेम हो जाएगा पहली कंडीशन। दूसरा स्टेटमेंट से आपका दूसरा इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा कि अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर जाती है 2 आवर्स में, इसका मतलब डिस्टेंस अपान अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड जो होगी एक्स माइनस वाई किलोमीटर, दिस टू इसमें भी 2 घंटे टाइम लगता है। तो सबसे पहले को फ्रेम करेंगे कि 20 अपॉन x + y = 2, या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे कि हो जाएगा 2x + 2y = 20, या फिर 2 से डिवाइड कर देंगे LHS RHS में, तो यह थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा आपका x + y = 10 किलोमीटर, ठीक है। एंड दिस विल बी फ्रेम्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ द सेम अगेन गो थ्रू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपको ये मिल जाएगा 2x - 2y = 4, 4 अगेन डिवाइडेड बाय 2, लाइक दिस यू गेट सिंपलेस्ट फॉर्म x - y = 2, ठीक है। नाउ अब इसको हम इरेज कर सकते हैं, देखिए इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। अब आपके पास दोनों इक्वेशन मिल गए हैं, देखिए दोनों इक्वेशन मिल गए हैं आपको, ठीक है कम ऑन। नाउ से वो बीच बीच में इंटरमिटेंटली थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है क्योंकि स्वेटिंग हो रही है। और हाँ एक चीज़ याद आ गया, जो एक हमारी बहुत मीन्स क्लोज चैनल सपोर्टर हैं नाजिया मैम, और बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेसिपी तैयार करती हैं, वह नाजिया ब्लॉग 777 है मैम का चैनल। तो वो उन्होंने कमेंट भेजा था कि सर आपको पसीना बहुत ज़्यादा होता है, हाँ तो मुझे उनकी बात पे हंसी छुट्टी में बोला कि हाँ मैम पसीना होता है, अब क्या किया जाए, भाई फ़ैन ऑफ रखा जाता है, फ़ैन ऑफ रख करके वीडियो बनाई जाती है, अगर फ़ैन ऑन कर देंगे जो है तो फिर साउंडिंग ऑफ द साउंड, तो
लेकिन मैंने उनको एक बात बोला जो है कि मैम जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। ठीक है, कम ऑन। अब आपके पास दो इक्वेशन मिल गए, फर्स्ट आपका आ गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरा आपका आ गया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, सिंपली यह प्लस और माइनस है, क्लॉक कोफिशियंट सेम है, जस्ट एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, सिंपली वाई आपका एलिमिनेट हो जाएगा बहुत इजली विदाउट एनी लेबर। ये आपका खलास गया, 2x इज इक्वल टू 10, 2 ये 12 आ जाएगा, फिर x की वैल्यू आ जाएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, ये 12 बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। यानी जो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड है, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड जो होगी यह होगी 6 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर वैल्यू आप 6 रख देते हैं तो इसमें 4 ऐड करेंगे तब 10 आएगा। इसका मतलब स्ट्रीम की जो स्पीड है, ध्यान रखिए स्ट्रीम की स्पीड जो है आपकी 4 किलोमीटर पर आवर दी गई है। ठीक है, और इफ यू आर इन एनी डाउट कि वेदर माई सॉल्यूशन इज राइट और रॉन्ग, ठीक है, बाई योर सेल्फ यू कैन वेरीफाई इट वेदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, हाउ, जस्ट देखिए वह 20 किलोमीटर रो करने में स्पीड, अब एक्स 6 है या 4 है तो 6 और 4 ऐड करेंगे क्योंकि डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई, तो 6 प्लस 4 यानी 10 हो जाएगा इक्वल टू 2। 2 घंटा लग रहा है, देखिए ये 2 घंटा लग रहा है इसका मतलब सही। फिर दूसरे स्टेटमेंट को इस कर देगी आप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो 4 डिवाइडेड बाई करेंगे आप, बताइए 6 इसमें अप स्ट्रीम में x माइनस वाई लगता है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 माइनस 4, अब इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 आर से मुझे देगा, ये देखिए 2 आर से यहाँ पर भी दिया है। इसका मतलब व्हाट एवर सॉल्यूशन यू हैव ऑब्टेंड यू हैव कैलकुलेटेड दैट्स 100% राइट। और इस तरह का वेरीफिकेशन जस्ट इन एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ऑफ योर बोर्ड बुक, जो बोर्ड की बुक मिलेगी जिसमें आपको सॉल्यूशन करने को मिलेगा उसकी राइट एक्सट्रीम में वहाँ पर रेफर करके जो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, और लेकिन इसको बहुत फास्ट करेगा क्योंकि यू विल हैव वेरी फ्यू टाइम टू सॉल्व दैट। यस, वन मोर थिंग जस्ट आई वांट टू टेल यू कि अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या कोई चीज़ का नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन जस्ट थ्रू मैसेज यू कैन एड ऑन माई चैनल। ठीक है, इट्स ओके, नाउ विद अ न्यू क्वेश्चन अगेन वी आर मीटिंग सून। ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच।